यदि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की परीक्षा 1 महीने में होती है जिसमें कि वह जेईई में नहीं बैठ सकता, तो उसको भी नुकसान नहीं होगा। वो दूसरे यदि उस महीने में उसकी परीक्षा है तो कोई जरूरत नहीं, वो दूसरे महीने में कर लेगा, तीसरे महीने में कर लेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के मन में कभी कोरोना का भय होता है और वो अनिश्चितता की स्थिति से गुजरता है, और कई बार जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है यदि भविष्य में भी ऐसा होता है तो अलग अलग स्थानों पर कुछ प्रदेश ज्यादा, कुछ क्षेत्र, कुछ प्रदेश ज्यादा चपेट में आ जाते हैं, तो उनको भी अब उस समय में उनको मुक्ति मिल सकती है। तो दूसरा उनके अनुरूप समय आएगा, उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रूप से परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है कि हर परीक्षा में उसको उपस्थित होना है। यदि एक अभ्यर्थी को एक से अधिक परीक्षाओं में उपस्थित होना है तो वो बेहतर अंक जिस परीक्षा, जिस 4 परीक्षाएं यदि दी हैं उसने, तो उन 4ों में जो भी बेहतर तरीके से उसके अंक होंगे वही उसको अंतिम परिणाम होगा। 4ों में से वो सुनिश्चित हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक अंक उसके होंगे वही सम्मिलित होगा।